राहुल गांधी से कुछ सीखे स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के बुरे वक्त में राहुल ने दिया साथ। विरोध करने वालों को जमकर लताड़ा। वक्त वक्त की बात होती है। कभी वक्त स्मृति ईरानी का था जब वो घमंड में किसी को भी आड़े हाथों ले लेती थी और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी, लोगों का मजाक उड़ाती थी। वो चीज भी आपको अच्छे से याद होगी जब उन्होंने राहुल गांधी का मजाक बनाया था, उनके बंगला खाली करने को लेकर बवाल मचाया था। लेकिन आज वो वक्त है जब स्मृति ईरानी के पास कुछ भी नहीं है, कोई पद नहीं है। लोग उन्हें हर तरफ ट्रोल कर रहे हैं, उनको अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा है। लेकिन ऐसे वक्त में उनका साथ राहुल गांधी ने दिया है। जी हाँ, वही राहुल गांधी जिनको ट्रोल करने का ईरानी एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। दरअसल दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली वाला सरकारी बंगला खाली कर दिया है। उन्हें दिल्ली की स्थित 28 तुगलक क्रिसेंट बंगला मिला हुआ था। करीबन 10 साल से मोदी राज में वो इसी बंगले में रह रही थी, लेकिन अब लोकसभा में हार मिलने के बाद उन्होंने वो बंगला खाली कर दिया है। ऐसे में लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे थे, उन्हें उनका घमंड याद दिला रहे थे। इसी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ईरानी के सपोर्ट में आ गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा है, जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि वे स्मृति ईरानी या अन्य नेता के लिए अपमानजनक भाषा बोलने से बचें। लोगों का अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। तो देखा आपने किस तरह से स्मृति ईरानी के बुरे वक्त में राहुल गांधी ने उनका साथ दिया है। और यहाँ लोग स्मृति ईरानी को नसीहत दे रहे हैं कि उन्हें राहुल गांधी से कुछ सीखना चाहिए, कि एक तरफ वो थी जो राहुल के पीछे पड़ गई थी। जब राहुल की सांसदी गई थी तब सरकारी बंगला खाली करवाने के लिए ईरानी ने इतना बवाल मचाया था, राहुल का मजाक बनाने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन दूसरी तरफ है राहुल गांधी, उनके पास मौका था मजाक बनाने का, लेकिन उन्होंने ईरानी का साथ देना ज्यादा सही समझा और विरोध करने वालों को लताड़ लगाई। इस बात को लेकर लोग राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने एक बार फिर से ऐसा करके सबका दिल जीत लिया है। फिलहाल आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक स्मृति ईरानी ने दिल्ली वाला सरकारी बंगला खाली कर दिया है। उन्हें दिल्ली स्थित 28 तुगलक क्रिसेंट बंगला मिला हुआ था। करीबन 10 साल से मोदी राज में वो इसी बंगले में रह रही थी, लेकिन अब जब उन्हें लोकसभा में हार मिल गई और वो न विधायक है न सांसद, इसीलिए उन्होंने अपना बंगला खाली कर दिया है। फिलहाल आपको ये भी बता दें, स्मृति ईरानी को कांग्रेस के नेता किशोरी लाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव में अमेठी से भारी मतों से हराया था। अंत में आपको दिखाते हैं कि किस तरह राहुल गांधी ने किशोरी लाल शर्मा का स्वागत किया था। राहुल गांधी के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सांसद जी कैसे हैं आप? मैं तो मैंने आपकी वेरी गुड, ठीक है। तो कैसा था चुनाव? बैठो बैठो। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? खुश हैं? बहुत खुश हूँ। आपने सब किया है, आपके बदौलत ही सब किया। मैंने क्या किया? मैंने नहीं, आपने किया, आपने किया, सब आपने किया है। उनकी 40 साल की चलो अरे समय से नहीं। तो कैसा था आपका चुनाव? चुनाव अच्छा था। मेरे को पता नहीं कैसे कि थिन लीड है, मेरे को तो लग रहा था अच्छी लीड होनी चाहिए। थिन लीड के आपने तो स्वीप कर दिया उठा के? नहीं, वो नहीं, मतलब यहाँ चल रहा था ना, थिन मार्जिन है तो उस पर गड़बड़ हो जाएगी, तो मेरे को लग रहा था कि ठीक ठाक होगी। इतने सालों से आप सीखे नहीं कि ये तरीका होता है? हाँ नहीं, वो तो मेरे को लग रहा था जब राहुल जी ने बोल दिया कि आंखें खोल के रखो, ठीक है, तो मेरी तो आंखें तभी खुल गई। मतलब ये हुआ कि मैं क्या, अभी तो 32,000 की लीड है, तो मतलब ये है तो। लेकिन जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन प्रियंका जी ने दिए टाइम टू टाइम, मैंने उसको मतलब